नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सही ट्रेड चैनल के ऊपर। मैं हूं सचिन और आज हम ऑप्शन स्ट्रेटजी के ऊपर बात करने वाले हैं। उसका नाम है बुल कॉल स्प्रेड, जिसे हम कॉल डेबिट स्प्रेड भी बोलते हैं। अब ये स्ट्रेटजी किस तरीके से बनानी है, कौन कौन से इसमें आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने हैं, ये सारी चीज़ें हम सिम्युलेटर के ऊपर देखेंगे। एक एग्जाम्पल बैंक निफ्टी का लेके मैं आपको दिखाऊंगा कि जैसे जैसे दिन पास होते हैं आपका प्रॉफिट और लॉस कहाँ पे होगा, कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, ये सारे डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो बुल कॉल स्प्रेड में क्या होता है कि आप मार्केट की सिचुएशन को थोड़ा सा संभलते हो, देखते हो, आप जैसे भी टेक्निकल एनालिसिस करते हो या फिर ओआई डाटा के एनालिसिस करते हो, और उसके ऊपर आप एनालिसिस आपका क्या होता है कि मॉडरेट बुलिश मूव मार्केट में आने वाली है, लेकिन आपको सेफ प्ले करना है। आपको पता नहीं है कि अगर मूव नहीं आई तो मेरा नुकसान ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो हम ये बुल कॉल स्प्रेड तब मार्केट में ये स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, क्योंकि एक लिमिटेड प्रॉफिट और लिमिटेड लॉस वाली स्ट्रैटेजी होती है। इसमें आप क्या करते हो कि एटीएम कॉल जो होता है उसे बाय करते हो और आउट ओटीएम जो कॉल होता है उसे सेल करते हो। तो नेट जो डिफरेंस होता है वो हमारा डेबिट होता है, क्योंकि ओटीएम कॉल का जो प्रीमियम होता है वो कम होता है और एटीएम का कॉल का जो प्रीमियम होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। तो डिफरेंस जो होता है वो नेट डेबिट हो जाता है, इसीलिए इसे कॉल डेबिट स्प्रेड भी बोला जाता है। अब मार्केट में, मार्केट अगर बुलिश होगा तो एटीएम का कॉल हमारा बढ़ेगा और ओटीएम का कॉल जो हमने सेल किया है वहां पे हमें नुकसान होगा, लेकिन प्रीमियम जिसका ज्यादा है उसका ज्यादा थोड़ा सा प्रॉफिट होगा तो हमें प्रॉफिट जो होगा वहां पे लिमिटेड हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट गिरने लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, तो सेल किया हुआ कॉल जो है वो हमें प्रॉफिट बना के देगा और जो हमने कॉल बाय किया है वो हमें लॉस करके देगा, लेकिन हमारा लॉस कहाँ रहेगा, लिमिटेड रहेगा। तो एक लिमिटेड प्रॉफिट और लिमिटेड लॉस वाली स्ट्रेटजी है, इसे सिमुलेटर के ऊपर देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन से स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आपको सिलेक्शन करना चाहिए। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, बैंक निफ्टी का मैंने 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया है और ये ब्लैक कलर की जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। 43,160 के आसपास अभी बैंक निफ्टी स्पॉट प्राइस ट्रेड कर रहा है। सिमुलेटर के ऊपर जाते हैं, सेंसिबल मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। बिल स्ट्रेटजी के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी सिलेक्ट करना होगा। अब ये बैंक निफ्टी की फ्यूचर प्राइस बता रहा है, लेकिन हमें स्पॉट प्राइस के हिसाब से क्या करना है, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस जो है सिलेक्ट करनी है। 43,160 यहाँ पे है तो हम एटीएम जो होगा वो 43,100 का यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो हमें एटीएम का जो है कॉल बाय करना है और ओटीएम का कॉल जो है हम यहाँ पे सेल करेंगे। अब मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट कितना ओटीएम तक आप जा सकते हो वो देख सकते हो और देखेंगे, और उसके बाद बताऊंगा कि कितना प्रॉफिट आपका यहाँ पे होगा और कितना लॉस होगा। अगर हम तुरंत 43,200 का यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हैं, सेल करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सेक्टर में आप देख रहे हो कि 1,000 का प्रॉफिट है और 1,400 रुपये का लॉस हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर हमारा लॉस होगा तो ज़्यादा होगा, ये यहाँ पे पता चल रहा है। अगर हम इसे नहीं सिलेक्ट करते हैं और थोड़ा दूर वाली जो ओटीएम कॉल है उसे सेल करते हैं तो भी यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ता हुआ निकल रहा है, लेकिन लॉस भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ऐसे ही आप अगर दूर जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा कि लॉस जो है वो ज़्यादा दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे थीटा जो होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर हम थोड़ा ज्यादा दूर वाली स्ट्राइक प्राइस ओटीएम सिलेक्ट करते हैं और उसे सेल करते हैं तो हमें प्रीमियम भी यहाँ पे कम रिसीव होगा, तो ये जो डिफरेंस है लेकिन ये ज्यादा हो जाएगा। अगर हम पास वाली यहाँ पे कॉल सेल करते हैं तो ये बाइंग जो कॉल की है उसका जो डिफरेंस है ये हमें कम यहाँ पे दिखाई देगा। लगभग यहाँ पे 55-56 रुपए का डिफरेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसीलिए प्रॉफिट कम है और लॉस भी यहाँ पे लिमिटेड दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट आप ले सकते हो या उसके बाद वाली भी, जिसमें डिफरेंस आपको ज्यादा ना देना पड़े, क्योंकि आप डेबिट कर रहे हो, ये जो प्रॉपर जो डेबिट हो रहा है ये आपका ज्यादा ना हो, इसकी वजह से थोड़ी पास वाली ही ओटीएम कॉल आप यहाँ पे बेच सकते हो। जैसे कि हमने सिलेक्ट किया है अभी 8 दिसंबर का एक्सपायरी। अब एक्सपायरी भी थोड़ी चेंज करते हैं, हम एक्सपायरी को लेके जाते हैं मंथ एंड पे, क्योंकि वीकली पे पूरे डेज आपको यहाँ पे ऑलरेडी 3 दिन निकल गए। आज 5 तारीख है, मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5 तारीख को, तो 3 दिन ऑलरेडी निकल गए और 3 ही दिन बचे हैं। तो अगर हम 29 दिसंबर की एक्सपायरी सिलेक्ट करते हैं तो 800 रुपये का यहाँ पे हम कॉल जो है वो बाय कर रहे हैं और 736 रुपये का जो प्रीमियम है वो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो नेट प्रीमियम हमें यहाँ पे कितना देना पड़ रहा है, 1,588 रुपये। तो उतना ही हमारा क्या होगा, यहाँ पे लॉस होगा, 1,588 रुपये का लॉस होगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट भी जो है वो सिर्फ लिमिटेड हो जाता है। तो लिमिटेड प्रॉफिट मिलता है यहाँ पे और लिमिटेड आपका लॉस हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस है वो थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा देंगे,
ताकि हमारा नेट प्रीमियम अगर ज्यादा जाता है तो यहाँ पे प्रॉफिट भी थोड़ा सा हमें काफी अच्छा, थोड़ा बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाए। तो मैंने यहाँ पे 43,300 रुपीज का कॉल जो है वो सेल किया है, और ये जो डिफरेंस है 110 रुपए का वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, 2730 रुपए मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं अगर प्रॉपर यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो जाता है। तो मैक्स प्रॉफिट होगा मुझे 2270 रुपए का, मैक्स लॉस होगा 2730 रुपए का जो भी नेट प्रीमियम मैंने यहाँ पे किया है। रिस्क रिवॉर्ड 1.2 है, प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी जो है वो 55% है और प्रोजेक्टेड रिटर्न 0.43%। फंड नीडेड है 42,807 का, मार्जिन नीडेड है 25,533 का। ब्रेक इवन अगर आप देखोगे तो 43,210 के आसपास होगा, तो आपको कोई लॉस कोई प्रॉफिट नहीं होगा, माइनर सा लॉस होगा या फिर माइनर सा प्रॉफिट यहां पे हो जाएगा। अब पे ऑफ चार्ट आप देख सकते हो, इस तरीके से पे ऑफ चार्ट दिखाई देगा। मार्केट बुलिश होगा तो आपको यहां पे प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमने यहां पे कॉल का स्प्रेड किया है, कॉल बाय किया है और कॉल सेल किया है। मार्केट बेरिश होगा तो आपको यहां पे नुकसान होगा। अब हम यहां पे मान के चल रहे हैं 43,171 अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, मार्केट प्राइस यही पे रहता है तो डेज चेंज करते वक्त 5 दिसंबर से अगम 6 दिसंबर तक जाते हैं तो प्रोजेक्टेड प्रॉफिट आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। अगर आप एक ही दिन ये पूरा स्प्रेड यूज करते हो और एक दिन बाद एग्जिट हो जाते हो तो आप 276 रुपये प्रॉफिट में बंद होंगे, अगर मार्केट सेम जगह पे बंद होता है तो, यही प्राइस पे बंद होता है। तो अगर थोड़ा सा इसे हम ऊपर की साइड में शिफ्ट कर दे, अगर 43,200 पे हम यहाँ पे चले जाए तो आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्टेड प्रॉफिट जो है वो 311 पे चला गया है। और अगर हम इसे फिर से डेज नेक्स्ट डे पे लेके जाते हैं तो ये प्रोजेक्टेड प्रॉफिट आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा। अब 7 दिसंबर है, 8 दिसंबर की एक्सपायरी पे ये 291 पे आ गया, 9 दिसंबर पे ये 279 पे आ गया। वैसे वैसे हम जैसे डेट यहां पे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी तक हम इसे होल्ड करते हैं तो 197 का ही प्रॉफिट होगा अगर मार्केट 43,200 पे ही रुक जाता है तो। लेकिन अगर मान लीजिएगा ये 200 पॉइंट और बढ़ जाता है तो आपका प्रॉफिट 500 रुपए से यहां पे प्रोजेक्टेड प्रॉफिट आपको दिखाई देगा। यानी कि आपको मूवमेंट आनी चाहिए मार्केट में, लेकिन मॉडरेट मूवमेंट आनी चाहिए। 43,500 के आप अगर पास चले जाते हो और 15 दिसंबर तक होल्ड करते हो तो 647 रुपए का ही यहाँ पे आपको प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। अब हम क्या करते हैं, एक्सपायरी तक इसे लेके जाते हैं लास्ट डे तक, और अगर आप इसे लास्ट डे तक होल्ड करते हो और 43,500 का मार्केट बंद होता है, यानी कि बैंक निफ्टी जो है वो 43,500 तक चला जाता है, तो आपको यहाँ पे 2197 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो बुलिश साइड में मार्केट जाएगा तो ही आपको इस स्ट्रैटेजी में फायदा होगा, वरना आपको नुकसान होगा। लेकिन बहुत बड़ा यहाँ पे नुकसान नहीं होगा, नुकसान कितना होगा यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आके भी देखते हैं। अगर मार्केट 42,700 पे क्लोज हो गया तो 2729 रुपए का मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे आपको होगा, जो कि अपने नेट प्रीमियम यहाँ पे डेबिट हुआ है। तो मार्केट कितना भी नीचे गिर जाए, 1,000 पॉइंट भी मार्केट यहाँ पे नीचे गिर जाता है, 41,000 तक भी मार्केट आ जाता है तो भी आपका प्रोजेक्टेड लॉस जो होगा वो लिमिटेड रहेगा। इसीलिए लिमिटेड लॉस और लिमिटेड प्रॉफिट वाली ये स्ट्रैटर्जी है, आराम से बैठ के आप एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हो। अगर आप इस प्रॉपर स्ट्रैटर्जी को सेकेंड हाफ में एग्जीक्यूट करते हो तो आपको थोड़ा कम थीटा यहाँ पे लगेगा, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑलरेडी 15 दिन की निकल गई होती है और 15 दिन की टाइम वैल्यू बाकी रह गई होती है। तो ये चीज़ आपको सिलेक्ट करनी है, स्ट्राइक प्राइस जितना नेट प्रीमियम आप कम यहाँ पे डेबिट करोगे उतना ही आपको कम प्रॉफिट होगा और उतना ही कम आपका जो लॉस होगा वो लॉस यहाँ पे दिखाई देगा। सो बेसिकली तीन चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये लिमिटेड लॉस और लिमिटेड प्रॉफिट वाली स्ट्रैटेजी है। इसमें आपको मैक्सिमम एकदम से वोलेटिलिटी नहीं चाहिए, मॉडरेटली बुलिश मूवमेंट आनी चाहिए। बेरिश मूवमेंट होगी तो ये स्ट्रैटेजी नहीं यूज़ करनी है, बुलिश मूवमेंट पे ही ये स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है। क्या करना है आपको, एटीएम का कॉल बाय करना है और ओटीएम का कॉल जो है वो सेल करना है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखोगे, थीटा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस पूरी स्ट्रैटेजी में। आप जितना उसको टाइम कम होगा उतना आपको प्रॉफिट थोड़ा सा अच्छा खासा यहाँ पे मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हमने देखा डे बाय डे किस तरीके से प्रॉफिट वहाँ पे कम होता है, और एक्सपायरी तक आप स्ट्रेटजी होल्ड करते हो तो आपको अच्छा खासा वहाँ पे प्रॉफिट मिल जाता है।
सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको पूरी स्ट्रैटेजी अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और कमेंट में आप बता देना कि आप कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो और आप किस सिटी से ये वीडियो देख रहे हो। बाकी मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।